खबर रीवा जिले से है, जहां महिला अपराधों पर रोक नहीं लग पा रही है। आए दिन मारपीट, दहेज प्रताड़ना के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही है। एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना रीवा जिले की गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में घटित हुई है, जहां 11 वर्षीय मासूम को हवस का शिकार बनाया गया है। आरोपी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़िता की माने तो आरोपी जितेंद्र उर्फ कल्लू विश्वकर्मा अपने घर में किशोरी को दुष्कर्म का शिकार बनाया है। तकलीफ होने पर पीड़िता घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन घटना की जानकारी पुलिस को दी और किशोरी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि किशोरी अपने सहेली को ढूंढने पड़ोस में पहुंची थी। आरोपी ने झांसा देकर कमरे में भेज दिया और पीछे से खुद पहुंचकर कमरा बंद कर वारदात को अंजाम दिया है। मासूम को तकलीफ बढ़ी, जिसके बाद परिजनों ने पूछताछ किया तो पूरी घटना बयां कर दी। फिलहाल पीड़िता खतरे से बाहर बताई जाती है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।